गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डन 7.3 एक्सरसाइज अप टू द क्वेश्चन नंबर 7. टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 8. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैज 50 पेंसिल्स, जयमल हैज 80 पेंसिल्स. आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड 10 पेंसिल्स, शीलू यूज्ड 25 पेंसिल्स, जमाल यूज्ड 40 पेंसिल्स. व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर एंड हिज पेंसिल्स. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? हमें क्या दे रखा है? तीन स्टूडेंट्स हैं, उनके पास नंबर ऑफ पेंसिल्स दे रखे हैं एंड आफ्टर फोर मंथ्स जितनी उन्होंने पेंसिल यूज़ करी है हमें उसका क्वांटिटी दे रखी है. सो व्हाट वी हैव टू चेक, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ द पेंसिल यूज्ड एंड देन वी हैव टू चेक दैट दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर नॉट. सो रमेश के पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी? 20. कितनी यूज़ करी? 10. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 10/20. शीलू के पास 50 पेंसिल्स थी, शीलू ने यूज़ करी 25 पेंसिल्स, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 25/50. सेम वे जमाल के पास कितनी पेंसिल्स थी? 80. ही यूज 40 पेंसिल्स, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 40/80. राइट. व्हेन आई हैव चेंज दैट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज आल्सो 1/2. 25/50 इज 1/2. 40/80 इज आल्सो 1/2. सो हमने फ्रैक्शंस भी निकाल लिया एंड आई वी हैव चेक दैट ऑल आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो 10/20, 20/50, 40/80 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर ऑफ ईच. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं, मैं साइड में यहीं पे कर देती हूँ. क्वेश्चन 9, इसका फर्स्ट पार्ट है 250/400. हमें ऑप्शंस दे रखे हैं. ए ऑप्शन है 2/3, वी हैव टू मैच. ठीक है, दिस इज द मैच द कॉलम. तो अगर मैं 250/400 का फ्रैक्शन निकालूंगी तो क्या आएगा स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में? ठीक है, 25 और 40 दोनों ही नंबर किस में आते हैं? 5 की टेबल में आते हैं. 5 5s are and 5 8s are. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5/8. सो हमें ये मैच करना है और साथ के साथ ही दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिखने हैं. कैसे लिखेंगे? सिंपली किसी भी नंबर से आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इट विल बी 10/16 और दूसरा कैसे निकलेगा? 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल बी 15/24. सो जब आप मैच करोगे तो 250/400 विल बी इज इक्वल टू 5/8 और 5/8 के हमारे पास दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे कि आप किसी भी जिस भी नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो उसी से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो. सो यू विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. राइट स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? लाइक फ्रैक्शंस का. What are the like fractions? Like fractions, those who are having the same denominator. Those who are having the same denominator. Like 2/5, 3/5, 1/5, 8/5, 4/5. All are the like fractions. क्योंकि इनका denominator क्या है? Same है. Unlike fractions, जिनका denominator same ना हो. 7/28, 8/29, all these are not the like fractions. Second thing आती है हमारे पास comparing the fractions. जब भी हम fractions को compare करते हैं तो सबसे important चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ है कि fractions क्या होने चाहिए? Like fractions. फ्रैक्शंस क्या होने चाहिए? लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए, तभी हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं. अगर वो अनलाइक हैं
तो पहले हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अब हमारे पास है, अगर मुझे कंपेयर करना है 1/6, 2/6, 4/6 एंड 5/6, तो ये क्या है, ये सारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो आई कैन ईजीली फाइंड आउट विच इज़ स्मॉलर एंड विच इज़ ग्रेटर, राइट। अब लेकिन क्यों, बिकॉज दे आर द लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। इफ़ आई हैव टू चेक, अब अगर मेरे पास है 2/3, 4/4, 4/3, 4/5, 1/6, अगर मुझे इन्हें कंपेयर करना है तो सबसे पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेती हूँ तो मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि मेरे पास क्या आ जाए, डिनोमिनेटर इन दोनों का क्या आए, सेम आए। अगर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, आई विल मल्टीप्लाई इट विद 5, 15 आ जाएगा। आई विल मल्टीप्लाई इट विद 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, 10/15 और 12/15। अब ये क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस बन गए। नाउ आई कैन कंपेयर दीज टू फ्रैक्शंस, ओके। इसी तरह से अगर मेरे पास, मैं मुझे 3 डिजिट्स को कंपेयर करना है तो मैं पहले इन तीनों का क्या निकाल लूँगी, एलसीएम। एलसीएम आप सबको निकालना आता है, हमने लास्ट ईयर भी सीखा भी था। तो इन तीनों का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं निकालती हूँ तो 3, 2 एंड 5। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 30। 30 हो गया एलसीएम। तो 2 × 10, नीचे तो मेरे पास 30 है ही, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 30 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया, 30 को मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/30, एलसीएम मैंने 30 लिया था। नाउ डिवाइड 30/5, क्या आएगा, 6। सो आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद 6। इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमरेटर को। 1/30, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 5, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, मैंने न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी जब 10 से ही मल्टीप्लाई किया तब 30 आया। 5 × 6 = 30, 4 × 6 = 24, 6 × 5 = 30, तो न्यूमरेटर को भी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। तो इट विल बी 20/30, 24/30 एंड 5/30। नाउ आई कैन कंपेयर दीज 3 नंबर्स, क्लियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और बी पार्ट आपके लिए क्या दे रही हूँ, होमवर्क। और सी पार्ट मैं करवा रही हूँ, 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6। वी हैव टू पुट देम ऑन द नंबर लाइन। पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। उसी के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे कर सकते हैं। अब ऑल क्या है, ये सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो 2/6 इज द स्मॉलेस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका क्या है, सेम है। तो न्यूमरेटर जो छोटा वो छोटा, देन इज स्मॉलर देन 4/6, इज स्मॉलर देन 6/6, स्मॉलर देन 6/6, इज स्मॉलर देन 8/6। अब हमें क्या करना है, इन्हें नंबर लाइन पे पुट करना है। नंबर लाइन पे पुट करने का आपको तरीका बताया था कि अब ये देखिए, आप 1/6, 4/6, 6/6, यानी 0 to 1 हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके आगे भी हमारे पास ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 8 है ना टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होता है। अगर आप इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करके पॉइंट्स में निकालेंगे ये, क्योंकि 6/6 क्या हो जाएगा 1, यानी 8/6 उससे 1 है तो 1 से आगे जाएगा, तो 1 2, ये क्या है आपके पास 2/6। 3 4, ये क्या है आपके पास 4/6। 5 6, ये क्या है 1, क्योंकि 6/6 क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/6। ये 7 और ये 8, ठीक है बेटा, दिस इज़ योर नंबर लाइन। अब इसी का हमारे पर नेक्स्ट आता है 5/6 और 2/6 में से विच इज़ ग्रेटर, डिनोमिनेटर सेम है तो 2/6 इज स्मॉलर देन 5/6। 3/6 एंड 0, हमारे पॉजिटिव नंबर है, 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है। 1/6 और 6/6 कौन सा बड़ा है 6, ठीक है। 8/6 और 5/6 कौन सा बड़ा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ट्राई टू डू द क्वेश्चन नंबर 2 जो भी उसमें लाइक फ्रैक्शंस हैं, अदरवाइज वी विल डू इट टुमारो, एंड टिल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन इन द क्लास। ओके, थैंक यू।